हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है, देखिए ये रहा पुई का पत्ता। ये जो पुई का पत्ता है ये शरीर में खून बनाने के लिए है, ये शरीर के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छा है। तो स्वस्थ बनाने के लिए ये डायबिटीज जिसे है और ब्लड प्रेशर जिसे है इसे खाना जरूर चाहिए। तो इसे आज हम खाएंगे, तो बनाएंगे इसे पेस्ट बना के करी में देंगे। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी हो रहा है सुबह को 7:30। बस मम्मी जी को लेके चलना है हॉस्पिटल, तो इसलिए थोड़ा मैं नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ, चलते हैं मम्मी जी को लेके हॉस्पिटल। उनका हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है यहाँ पे, और उसको लेके चलेंगे हड्डियों का डॉक्टर के पास। चलिए चलते हैं। फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं व्हाइट हाउस क्लिनिक मम्मी को लेके, तो यहाँ पे थोड़ा इंतजार करते हैं क्योंकि डॉक्टर 11-11 बजे आएंगे, तो वेट करना पड़ेगा। फिलहाल अभी अभी आके पहुँचे हैं घर मम्मी जी को हॉस्पिटल से लेके, और अभी अभी पहुँचे हैं। और चलिए थोड़ा फ्रेश होते हैं और कुछ खाते हैं, भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाए। और शायद सब लोग खा चुके हैं, बस अभी हम मम्मी में और माँ भी खाएंगे। चलिए कुछ खाते हैं। दोस्तों अभी शाम हो चुकी है, चलिए एक मजेदार रेसिपी बनाते हैं, एकदम हेल्दी और आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी बहुत हेल्दी। और हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है, देखिए ये रहा पुई का पत्ता। ये जो पुई का पत्ता है ये शरीर में खून बनाने के लिए है। ध्यान जरूर रखना कि ये जो पत्ता है हमेशा हफ्ते में एक दो बार खाना चाहिए पुई का पत्ता। और ये चीज तो आप लोगों को पता ही होगा, ये देखिए ये जो चीज है ये आप लोग क्या बोलते हैं हम तो पता नहीं, लेकिन हमारा गांव में ये इसे बोलते हैं कद्दू। इसे आप लोग क्या बोलते हैं हमें पता नहीं, कमेंट में जरूर बताएगा ये क्या चीज है, लेकिन आप लोग हमारा गांव में इसे तो बोलते हैं कद्दू, और आप लोग ये बोलते होंगे कद्दू, लेकिन सबका स्टेट में, सबका जिले में, सबका भाषा में अलग अलग होता है। हमारा उड़िया में इसे बोलते हैं बुईताड़ू, तो इसे कद्दू बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो बीज का जो हिस्सा है, ये देखिए इसका अंदर कद्दू का अंदर ये वाला जो हिस्सा है इसमें बीज रहता है। ये जो बीज है ना, ये बीज को बहुत लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये जो बीज है डायबिटीज के लिए ये एकदम रामबाण है। तो इसे अगर आप लोग हफ्ते में एक दो बार खा लेते हो तो डायबिटीज से ज़्यादा है तो ये थोड़ा कम करता है। तो इसलिए ये वाला जो हिस्सा है इसे हम बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे। तो ये बीज वाला हिस्सा को हम लोग पेस्ट बनाएंगे और करी बनाएंगे। डायबिटीज वाला ये कद्दू मत कभी मत खाना, ये जो कद्दू ये वाला जो हिस्सा होता है ना कद्दू में, कद्दू का जो ये वाला हिस्सा होता है कभी मत खाइएगा। लेकिन ये वाला जो बीज वाला हिस्सा है ये बीज वाला हिस्सा को जरूर खाइएगा, क्योंकि डायबिटीज का थोड़ा कंट्रोल करता है ये वाला बीज। आज बनाएंगे ये जो पुई है, तो आप लोगों को तो बोला था मैंने, तो ये खून बनाने का काम करता है शरीर में, तो इसे बनाएंगे और इसका साथ में ये कद्दू का बीज बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो कद्दू का हिस्सा है पहले इसे काट के निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह निकाल लीजिए, इस तरह निकाल लीजिए और बीज को भी निकाल लीजिए। ये जो बीज है इसे हम बनाएंगे पेस्ट, इसमें बहुत ज्यादा बीज होता है। ये देखिए ये पूरा बीज है, ये देख रहे हो ये पूरा बीज है, इसे बनाएंगे हम पेस्ट। ये शरीर के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छा है। तो स्वस्थ बनाने के लिए ये डायबिटीज जिसे है और ब्लड प्रेशर जिसे है इसे खाना जरूर चाहिए। चलिए पुई पत्ता को काट लेते हैं, मैं यहाँ से धो के रखा था, तो काट लेते हैं पुई पत्ता को। बस ये जो कद्दू है हम थोड़ा सा ले है, बस ज्यादा नहीं डालेंगे इसमें। ये देखिए मसाला के लिए हमने लिया है
ये कद्दू का बीज, प्याज और छोटा 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 पीस आधा अदरक, ये लहसुन, बस इसे ग्राइंड करेंगे ग्राइंड करेंगे और इसमें डालेंगे जीरा। चलिए पहले ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए बस ग्राइंड कर लेंगे। हमारा मसाला बन के रेडी हो चुकी है और ये भी मैंने काट के रेडी कर दिया है। बस भाभी आएगा और बनाएगा, क्योंकि भाभी अभी थोड़ा गेलू को पढ़ा रही है। दिखाता हूँ आप लोगों को, चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये देखिए गेलू पढ़ाई कर रही है, गेलू कर रहा है पढ़ाई और उसका मम्मी उसे पढ़ा रहे हैं। गेलू का तो पढ़ाई हो चुकी है, देखते हैं अगर भाभी को टाइम होता है तो बनाएगा, नहीं तो मैं बनाऊंगा। कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं बना लेता हूँ कभी कभी। शायद भाभी का पढ़ाना गेलू को अभी तक खत्म नहीं हुई, तो मैं बनाता हूँ आज का करी। जो ये जो करी है आप लोग हमेशा बना के खाना, क्योंकि ये जो करी है मैं आप लोगों को पहले से बताया है, ये जो पुई पत्ता है वो खून बनाने के लिए, ये जो कद्दू है तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए, और जो इसका जो बीज है, जो कद्दू का बीज है, ये डायबिटीज के लिए। बस इसमें डाल देते हैं वो कटा हुआ वेजिटेबल्स। इसे कुछ देर के लिए ढक देते हैं। फाइनली हमारा रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है, देखिए कितना सुंदर बनी है। ये आप लोग घर में जरूर खाइएगा, क्योंकि ये जो पुई का पत्ता का जो करी बनी है तो ये खून बनाने के लिए, शरीर में खून बनाने के लिए लोग खाते हैं। ये रेसिपी कितना सुंदर बनी है, और अगर रेसिपी आप लोगों को पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो रेसिपी आप लोगों को मैंने बताया है तो ये शरीर के लिए हेल्दी है और शरीर में खून बनाने के लिए। अगर आप लोगों को पसंद आया तो जरूर बना के खाना घर में। ये देखिए कोरी तक तो मस्त बनी है। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है रात को 9:20, बस करते हैं डिनर। डिनर में खाएंगे रोटी और पुई का करी, साथ में एडिटिंग स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग को, एंड एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।